बैटिंग लाइनअप जो आप कहते हैं ना कभी कभी थोड़ी वल्नरेबल रहती है या थोड़ी टॉप हैवी लगती है, टॉप हैवी 1-2-3 आप कहते हो, फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर के आने से, तो अब उनके आने से एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत कह सकते हो कि सॉलिडिटी आ गई है बहुत ज्यादा अब इस लाइनअप में। देखिए सॉलिडिटी तो ऊपर, मिसिंग पीस इन द पजल आप कहते हो सर, अभी आई थिंक थोड़ा जिस दिन नहीं चले, मैं कह रहा हूँ हर दिन तो नहीं चलना, नहीं हर दिन तो कोई भी नहीं चलता, लेकिन जो रियल टेस्ट होते हैं जैसे अभी कैफ ने भी बोला आपको कि इतना स्कोर ही नहीं था कि कोई दबाव आया हो, ये विकेट भी बल्लेबाजी के लिए बड़ा अनुकूल है। मैं तो बल्कि कहूंगा जो इन्होंने वेस्ट इंडीज में पारियां खेली थी, आप भी थे वहां, वो पारियों से मुझे ऐसा लगा कि सॉलिडिटी आ गई। यहाँ तो अब कुछ अच्छा नहीं देखने को मिला, इनफैक्ट आज मेरे हिसाब से तो विराट कोहली अगर शाम को डिनर करेंगे साथ में तो दो बातें सुनाएंगे, कहेंगे बेटा मैंने अपनी जगह दी थी तुझे, तीन नंबर भेजा था, आउट कैसे हो सकते हो। ये बात सही है विराट, देखिए मैं मतलब अच्छा दिन हो ना उस दिन ये चीजें अगर आप देखें ना तभी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, हारेंगे जिस दिन उस दिन तो फिर बुराई होगी, ये कमी है वो कमी है, लेकिन अगर आपको तीन नंबर भेजा है, क्यों विराट कोहली तीन नंबर पे खेल रहे हैं, क्यों वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वो भी आउट होते हैं जीरो पे, लेकिन अगर वो 20-15-20 पे आ जाएं और मैच अगर इतनी आसानी से आपकी जेब में है तो वो आउट होके नहीं जाते, क्योंकि आज तो फर्क नहीं पड़ा इस मैच का। आगे वाले सॉलिडिटी उस वक्त मैं मानता हूं कि जब आपको ऐसा सिचुएशन हो तो आप फिर क्रूज करके आइए ना, क्योंकि फिर क्या है अगर आप भी आउट हो गए तो फिर आप क्यों गए, पीछे वाला आगे चला जाएगा। तो मैं थोड़ा सा अभी थोड़ा सा सॉलिडिटी के लिए देखिए, ठीक है सर। सर मैं गोदरेज के जमाने का आदमी सॉलिडिटी गोदरेज को मान, क्या बात है, यहाँ पे गोदरेज की बात होगी। लेकिन सर सॉलिडिटी आपने बोला, मेंटल मेकअप एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है सॉलिडिटी को लेकर, आपने बड़ी करीबी से देखा है इनको दिल्ली कैपिटल में, अब कप्तान भी बने हुए, बीच सीजन में बन गए कप्तान, थोड़ा मेंटल मेकअप के बारे में बताएंगे इनके, श्रेयस अय्यर के? नहीं, बहुत सुलझे हुए इंसान है और काफ़ी साल डोमेस्टिक खेल के आए, बहुत स्कोर किया है, आईपीएल में कैप्टन भी बने, क्योंकि इन्होंने हर साल आईपीएल में 400-500 रन तो मारते हैं जब से उन्होंने शुरुआत करी है आईपीएल खेलने की, पर इंडियन टीम में उनको मौका काफ़ी लेट मिला इंतज़ार के बाद, वो अच्छा है उनके लिए क्योंकि जो मैच्योरिटी अभी दिखा रहे हैं वो अगर जल्दी मिलती तो शायद नुकसान होता इनका। अभी उन्होंने बहुत ये पक के आए हैं, आईपीएल में काफ़ी साल बिताया है तो वो कॉन्फिडेंस झलकता है, और मुंबई के लिए खेलते हैं, मुंबई में अगर अपब्रिंगिंग होती तो आपको ऑलरेडी अच्छा प्लेयर बनना ही होता है, क्योंकि आप रणजी टीम में ऐसे सिलेक्शन नहीं होता मुंबई की टीम में, आपको अच्छा प्लेयर होना ही चाहिए, तो वो हुआ। उसके बाद आईपीएल खेले, कई साल कप्तानी करी, उससे बहुत मैच्योरिटी आ गई इनको, वो जब आप टीम संभालने लगते हैं ना तो फिर एक तो रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं कि मुझे अपने ऊपर दायित्व लेना है, और फिर कैसे टीम मैन बनना है, टीम को भी खिलाना है साथ में, तो वो भी चीज़ें अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलते हैं आप, तो वो इनमें ये जो चेंज आया है, और ये आज चलो आज आउट हो गए पर ये मैच निकाल के आते हैं हमेशा, आज भी जो ओवर था वो ओवर में मैच अपना काम कर दिया था, क्योंकि अभी देखिए अभी भी करीब 15 गेंदें बची थी तो मैच तो मैच निकाल के मैं कह रहा हूँ कि निकले हुए मैच में आउट होना तो ज़्यादा बड़ा क्राइम है, तकलीफ होगी, आउट तो सब होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें विराट कोहली नहीं बोलेंगे, अगर आपको दादा ने आपकी बारी में भेजा होता, दादा कहे अच्छा कैफ तीन चले जाओ और आप 40 करके 10 रन रह गए आउट होके आते, तो क्या बोलते हो? मेरे ख्याल से मतलब अगर उनको इम्प्रूव कराना चाहिए, ये दिक्कत जब आएगी जब मैच बिल्कुल लास्ट ओवर तक चला जाए और फिर विराट कोहली निकाल के आएंगे, फिर बोलेंगे भाई यार वो गलत शॉट था वो, पर आज मेरे ख्याल से इतना उनके ऊपर बात नहीं आएगी, ओवर टाइम बहुत था और बाउंसर थोड़ी सी कमजोरी भी उनकी, अगर एक गेम कहीं इनको इम्प्रूव करना है श्रेयस अय्यर को तो वो है बाउंसर पे, ये तो बचना है, सिंगल ले लें या फिर कनेक्ट करें कि चौका मारे या छक्का मारे, यहाँ पर दो चीज़ होता है, वो शायद फ्यूचर में लोग यहाँ इनको टारगेट करेंगे, पर वाइड बॉल में इतना गेंदबाज के पास मौका नहीं होता, इसलिए कभी कभी आप बाउंसर अच्छा नहीं भी खेलते होते फिर भी आप अच्छे प्लेयर बन जाते हैं। सौरभ गांगुली थे, वीरेंद्र सहवाग थे, बाउंसर इतना अच्छा उन्होंने कभी टैकल नहीं किया, पर और गेम बड़े बेहतर थे उनके, बाउंसर से बचना कैसे, विकेटें नहीं देनी बाउंसर के खिलाफ, तो वो भी सीखना पड़ेगा कि बाउंसर अगर मार रहा है कोई गेंदबाज तो या तो उसको डॉट बॉल कर लो, अगला बॉल आप उसको कवर अप कर सकते हो, तो विकेट नहीं देना तभी आप बेहतर प्लेयर बनते हो, और आपकी जो कमजोरी पे फिर लोग अटैक नहीं करेंगे बार बार, अगर आप विकेट देते रहोगे ऐसे बाउंसर पे आज पुल लगाया और मिस टाइम किया वहाँ आउट हो गए तो अगले मैच फिर उनको बाउंसर मारा जाएगा, तो गेंदबाजों को एक क्लू मिल जाता है कि ये कमजोरी है और इसके खिलाफ श्रेयस अय्यर को आप टारगेट कर सकते हो, तो वहाँ एक खेल ऐसा है जहाँ इम्प्रूव करना, बाकी ओवरऑल लंबे गत के हैं, रीच अच्छी है, स्पिन को बहुत बढ़िया खेलते हैं, और जो भी अच्छा स्पिनर इनके सामने आता है उसको भी छक्का मार सकते हैं एट विल, वो बहुत एक्स फैक्टर है इनके बैटिंग में, क्योंकि
और बल्लेबाज क्या करते हैं कि अच्छे गेंदबाज को रिस्पेक्ट दे के कि अब मैं इसको 2-3 रन लेता हूँ, अगले ओवर में कवर करूंगा, पर ये बड़े गेंदबाज को भी एक ओवर में 3 छक्के मार सकते हैं, ये इनके पास क्षमता है।